दोस्तों यूं तो बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के शोमैन यानी कि सुभाष घई ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उनके फिल्म में बॉलीवुड के लगभग जितने भी बड़े नाम थे उन सब ने काम किया। तो भैया इस लिस्ट में शाहरुख खान का भी नाम है, लेकिन ये नाम केवल एक फिल्म के साथ ही जुड़ा है, यानी कि इन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक केवल एक ही फिल्म दी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े हुआ बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान से और उसके साथ बॉलीवुड के शोमैन यानी कि सुभाष घई से। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सुभाष घई की डायरेक्टर फिल्म यानी कि परदेश के बारे में कि ये फिल्म कैसे बनी, इस फिल्म का टोटल बजट कितना था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन हुआ था। दोस्तों कहते हैं ना कि जब दो बड़ी ताकतें आपस में मिलती हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो दोस्तों ऐसा ही विस्फोट हुआ था बॉक्स ऑफिस पर सन 1997 में, यानी कि भैया 8 दिसंबर सन 1997 को सुभाष घई ने अपने फिल्म यानी कि परदेश को बॉक्स ऑफिस पर लेके आए थे। तो भाई कितने में बनी थी ये फिल्म और कितना कलेक्शन की थी ये फिल्म, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ डेब्यू कर रही थी महिमा चौधरी और इस फिल्म में अमरीश पुरी बहुत ही दमदार किरदार में नजर आ रहे थे। तो दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो था 8 करोड़ और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 22 करोड़ 77 लाख रुपए, यानी कि भैया एकमात्र फिल्म की थी सुभाष घई के साथ में शाहरुख खान ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई थी। इसके बाद भी कुछ खबरें ऐसी आई थी जिसमें बताया गया था कि सुभाष घई शाहरुख खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से ये दोनों बड़े नाम एक साथ कभी भी बॉक्स ऑफिस पर दोबारा नहीं आ पाए। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक और बेहतरीन किस्सा है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस फिल्म का एक गाना बहुत ही फेमस हुआ था, यानी कि ये दिल दीवाना, जो ये गाना शाहरुख खान के ऊपर में फिल्माया गया था। इस गाने को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हाल फिलहाल में सुभाष घई ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि बॉलीवुड में ऐसा कई बार होता है कि भैया जब हीरो की जगह पर उनका डुप्लीकेट नजर आता है, तो दोस्तों इस गाने में भी कुछ ऐसा ही था, यानी कि सुभाष घई ने इस बात का खुलासा किया था कि भाई अगर आप इस गाने को बहुत करीब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस गाने में बहुत जगह शाहरुख खान नहीं है बल्कि उनका ड्यूप वहां पर काम कर रहा है। यानी कि इस गाने को लेकर बताया था सुभाष घई ने कि भाई जब इस गाने की शूटिंग होने वाली थी तो उस दौरान शाहरुख खान को अचानक ही शूटिंग छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ा था। यानी कि बताया जाता है कि उस वक्त गौरी खान प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंसी के ही वजह से शाहरुख खान ने इस शेड्यूल को बीच में छोड़ा था। और जब वो शाहरुख खान वहां से जा रहे थे तो सुभाष घई ने उनसे ये आग्रह किया था कि आप जा तो रहे हो लेकिन आप मुझे कम से कम अपने 5-6 आप मुझे क्लोजअप दे दो। यानी कि अगर आप इस गाने को ध्यान में देखोगे तो भैया इसमें अधिकतर जो शॉट्स हैं वो वाइड शॉट का इस्तेमाल किया गया और वहां पे जहां भी क्लोजअप लिया गया है वो क्लोजअप अलग अलग एंगल से रिपीट ही किया गया, यानी कि 6-7 क्लोजअप दिए थे शाहरुख खान ने इस गाने के लिए। और उसके बाद पूरे वाइड शॉट में यानी कि लॉन्ग शॉट में इस गाने में शाहरुख खान के डुप्लीकेट ही नजर आ रहे थे, यानी कि भैया डुप्लीकेट से ही इस गाने को हिट करा दिया था सुभाष घई ने। तो भाई उनको क्यों शोमैन कहते हैं और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट साबित क्यों होती थी, उसका बस यही कारण है भैया कि भैया उनके पास जो टेक्निक था ना वो बॉलीवुड के कम ही डायरेक्टरों के पास में इन दिनों है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको परदेश कैसी लगी थी और ये फिल्म का ये गाना आपने कितनी बार करीब से देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस गाने को फिर से देखिए और सुभाष घई की उस बात को इमेजिन कीजिए कि वाकई में इस गाने में शाहरुख खान है या फिर उनका ड्यूप्लीकेट। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।